नमस्कार, बेबाक बात में अब बात करते हैं राजनीति की। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में अभी 6 महीने शेष हैं। ऐसे में इस बार सबकी निगाहें भाजपा के सिंधिया समर्थक मंत्रियों पर ज़्यादा हैं। सिंधिया समर्थक भाजपा नेताओं में एक नाम है प्रद्युम्न सिंह तोमर का। सिंधिया के करीबी तोमर भाजपा में आकर शिवराज सरकार में ऊर्जा मंत्री तो बन गए, लेकिन वे अब भी भाजपा और भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रिय नहीं बन पाए हैं। प्रद्युम्न सिंह की आस्थाएँ आज भी भाजपा से ज़्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया में हैं। यही वजह है कि सिंधिया खेमे के लोग अब भी भाजपा में अलग थलग ही नजर आते हैं। 3 बरस बाद भी प्रद्युम्न सिंह भाजपा की रीति नीति से कोसों दूर हुए। तोमर ने अपने ग्वालियर विधानसभा में खूब काम करवाए हैं, लेकिन इसके बावजूद जनता में उनकी छवि एक ड्रामेबाज नेता से ज़्यादा नहीं बन पाई है। कभी सिंधिया के पैरों में गिर पड़ना, कभी फावड़ा लेकर नाले में उतर जाना, कभी टॉयलेट साफ करने बैठ जाना, तो कभी सीढ़ी से खंभे चढ़ जाने ने उन्हें मंत्री कम और ड्रामेबाज ज़्यादा बना दिया है। प्रद्युम्न सिंह राजनीति में अपनी छवि आम आदमी वाली बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें ये सब करना पड़ता है। 80 के दशक में जब प्रद्युम्न राजनीति की ABCD सीख रहे थे, तो वे कांग्रेस की सिंधिया विरोधी ठाकुर लॉबी से जुड़े थे। तब रमाशंकर सिंह प्रद्युम्न के खैर ख्वाह हुआ करते थे। इस बार कांग्रेस प्रद्युम्न सिंह को जमकर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके गढ़ ग्वालियर में भरपूर चुनौती देना चाहती है। ग्वालियर विधानसभा सीट मिले जुले परिणाम देने वाली है, लेकिन तकरीबन 65,000 क्षत्रिय वोटर इस सीट पर पैठ बनाए हुए हैं और वो ये तय करते हैं कि ग्वालियर विधानसभा में कौन जीतेगा और कौन नहीं। पिछले 5 चुनावों के परिणामों पर नज़र डालें तो ग्वालियर विधानसभा से क्षत्रिय उम्मीदवार ही विजय हुए हैं। 1998 में भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के अशोक शर्मा को हराया। 2003 में भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के बालन शुक्ला को हराया। 2008 में कांग्रेस के प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भाजपा के जयवान सिंह पवैया जैसे बड़े नेता को हराया। 2013 में भाजपा के जयवान सिंह पवैया ने कांग्रेस के प्रद्युम्न सिंह तोमर को हराया। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के प्रद्युम्न सिंह ने भाजपा के जयवान सिंह पवैया को एक बार और शिकस्त दी। उसके बाद तोमर सिंधिया का दामन थाम के कांग्रेस को अलविदा कह गए और भाजपा में आ गए। 2020 में प्रद्युम्न कांग्रेस और मंत्री पद छोड़कर सिंधिया के साथ आए और 2020 में ही हुए उपचुनाव में भाजपा के बैनर तले प्रद्युम्न सिंह ने कांग्रेस के सुनील शर्मा को हराया। इस सीट का गणेश छत्री उम्मीदवारों को सपोर्ट करने वाला रहा है। ऐसे में सवाल उठता है ग्वालियर विधानसभा में अब क्या। सिंधिया की नज़र में प्रद्युम्न सिंह भाजपा के सबसे मुफीद उम्मीदवार हैं। वहीं ग्वालियर में सिंधिया के भाजपा में आने से असल भाजपा का कार्यकर्ता बीते 3 सालों से काफ़ी निष्क्रिय हो गया है। वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। कांग्रेस को इस बार इसका कुछ हद तक लाभ मिलेगा। BJP का निष्क्रिय कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर सकता है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस फिर सुनील शर्मा को टिकट देती है तो इसका सीधा लाभ BJP के प्रद्युम्न सिंह तोमर को मिलेगा। सुनील शर्मा की तुलना में प्रद्युम्न ज़्यादा लोकप्रिय हैं, ज़्यादा दमदार हैं। ग्वालियर विधानसभा का गणित कहता है कि अगर कांग्रेस को प्रद्युम्न से मुकाबला करना है तो उसे भी क्षत्रिय उम्मीदवार मैदान में उतारना पड़ेगा, और अगर कांग्रेस इस मुकाबले को वाकई जीतना चाहती है तो उसे भी भाजपा के तोमर के मुकाबले कांग्रेस का तोमर लाना होगा। कांग्रेस के सर्वे में ग्वालियर विधानसभा सीट के लिए अब तक 2 ही नाम सामने आए हैं, पहला सुनील शर्मा का और दूसरा कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता सौरभ सिंह तोमर का। ग्वालियर की राजनीति में रुचि रखने वालों की माने तो उनका भी साफ कहना है कि अगर कांग्रेस सौरभ सिंह तोमर पर दांव खेलती है तो इससे उसे बड़ा लाभ हो सकता है और वो सिंधिया के गढ़ में ही उन्हें घेरने में कामयाब भी हो सकती है। अभी बस इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का
सटीक विश्लेषण। हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।